हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सरकारी लड़कों में। दोस्तों, सीनियर सिटीजन को मिली है बहुत ही बड़ी खुशखबरी, रेल टिकट में अब छूट आप सभी को ऐसे मिलेगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सबको इसी अपडेट के बारे में बताएंगे। क्या दोस्तों भारतीय रेलवे की तरफ से नया नियम आया हुआ है, तो वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें। और आपने अभी तक हमारे चैनल सरकारी लड़कों को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि दोस्तों रेल जुड़ी अपडेट जो भी हो आप सबको मिस ना हो पाए। दोस्तों, आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि पिछले 2 साल से सिनेशन जो भी रेल किराए में छूट मिलती थी वो बंद है। और दोस्तों अभी यहाँ पे फिलहाल ऐसी अपडेट आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोस्तों सिनेशन को किराए को लेकर काफ़ी आलोचनाओं का सामना रेल मंत्रालय और साथ साथ रेल मंत्री को करना पड़ रहा है। अब ऐसे में दोस्तों रेलवे ने आश्वासन दिया है सिनेशन को कि ये उसको पूरी तरीके से, यानी कि जो भी कंसेशन मिलती थी उसको पूरी तरीके से खत्म नहीं करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव कर अब फिर से इसको लागू करने की योजना बना रहा। अब ऐसे में दोस्तों हमने आप सभी को ये अपडेट दिया था कि रेलवे जो है अब बुजुर्गों का एज जो है 60 साल से बढ़ाकर जो भी 70 साल हैं, यहाँ बता दें पुरुष वर्ग, और जो महिला है उनको 65 साल करने की योजना बना रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों एक और बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पे आ रही है कि आपको दोस्तों बता दें, जो भी आप ऑनलाइन टिकट बुकिंग में सीनियर सिटीजन कंसेशन या दोस्तों लोअर बर्थ सीनियर सिटीजन कंसेशन आप लेते हैं तो वहाँ पर आप सबको किसी तरह का आईडी प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं होती है। आपको तो जब ट्रेन में आप बोर्डिंग कर जाते हैं तो वहाँ पर आपको अपना एज प्रूफ, जो टीटी जब आपको मांगते हैं तो वहाँ पे आपको एज प्रूफ दिखाना पड़ता है। अब ऐसे में जो कुछ लोग जो हैं जिनका एज उनके एज के, यानी कि सीनियर सिटीजन के एज के 60 साल, क्या दोस्तों महिलाओं का जो भी लोअर बर्थ है 45 साल से नीचे होने के बावजूद भी दोस्तों फर्जी तरीके से ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग यहाँ पर कर लेते थे और सीट रिजर्व कर लेते थे, या दोस्तों फिजिकली हैंडीकैप कोटा में या किसी भी तरह का कोटा में जिसके लिए वो एलिजिबल नहीं है वो दोस्तों यहाँ पे ले लेते थे, और दोस्तों डॉक्यूमेंट दिखाने पर या दोस्तों वो पार हो जाते थे, या दोस्तों डॉक्यूमेंट दिखाने के उस पर कोई भी दस्तावेज ऑनलाइन जो भी यहाँ पे ट्रेन में ट्रेवल करते थे ऑनलाइन टिकट बुक करके, उनके पास कोई किसी भी तरह का दस्तावेज नहीं होता था। इस परिस्थिति में तो पहले होता क्या था, तो जो भी यहाँ पे किराया था उसका कुछ परसेंटेज आपको बता दें कुछ फाइन के रूप में लेकर टीटी जो है उनको छोड़ देते थे। अब दोस्तों नियम में बदलाव हो चुके हैं, अब दोस्तों आपको फाइन लेकर नहीं छोड़ा जाएगा। अगर आपके पास दोस्तों वैलिड प्रूफ नहीं है तो आपको यहाँ पर बिना टिकट आना जाएगा, यानी कि आप दोस्तों उनका टिकट आपका वैध नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों आप सभी को भारी भरकम जुर्माने के साथ आपको यहाँ पे फाइन देना होगा, या दोस्तों आपको यहाँ पे जेल भी हो सकती है अगर आप फर्जी तरीके से किसी बिना किसी दस्तावेज के जाते हैं और आपके पास कोई भी वैलिड एज प्रूफ नहीं होता। अब ऐसे में दोस्तों अगर आप सिनेशन टिकट यहाँ पे बुक करके जा रहे हैं तो आपके पास किसी भी तरह का एज प्रूफ, यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो कि दोस्तों आपके एज के प्रमाणित करता हो वो होना अनिवार्य, या दोस्तों सिनेशन कार्ड भी आपके पास होगा तो वो भी आप वहाँ पर दिखा कर इसके लिए प्रमाणित कर सकते हैं कि हाँ मैं सीनियर सिटीजन हूँ और मैंने सिनेशन कोटा में बुकिंग किया है। बाकी दोस्तों इस पहल से जो भी यहाँ पे फर्जी यात्री थे जो कि फर्जी टिकट यहाँ पे बुक करते थे, जो सीनियर सिटीजन का कोटा मारते थे, या जो किसी भी अन्य तरीके का कोटा, फिजिकली हैंडीकैप कोटा या लोअर बर्थ कोटा यहाँ पे दूसरों की जगह लेते थे फर्जी तरीके से, वो दोस्तों रुक जाएगा। ये दोस्तों नियम बहुत ही बड़ी अपडेट है। बाकी दोस्तों और नई अपडेट के लिए आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर दें। जय हिंद।